नवयुग विद्यालय के बच्चों को सिखाया गया CPR। लगातार जीवन बचाने के लिए अभियान में जुटी जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा आज नवयुग विद्यालय में प्रिंसिपल श्री सुबोदीप डे एवं दर्जनों शिक्षकों की उपस्थिति में छात्रों को CPR सिखाने का कार्यक्रम किया गया। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन यानी हृदय और सांस को पुनर्जागृत करने की विधि सिखाने का कार्यशाला नवयुग विद्यालय में की गई। आज लगभग 1 बजे अपराहन जीवन जागृति सोसाइटी की टीम ने वहां पहुंचकर वहां मौजूद करीब 200 बच्चों और शिक्षकों को पुतलों यानी डमी पर CPR करके उन्हें CPR सिखाया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि चाहे किसी को घर या ऑफिस में हार्ट अटैक हो या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या डूब रहे व्यक्ति को बचाने के बाद की स्थिति हो, यदि वो अचेत है और लगता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही एवं धड़कन यानी पल्स नहीं चल रही, तो उसकी छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए छाती के सबसे निचली हड्डी से 2 उंगली की चौड़ाई के ऊपर दोनों निप्पल के बीच 1 मिनट में 100 की रफ्तार से 25 बार छाती 2 इंच तक दबानी होती है और फिर 2 बार मुंह में सांस देनी है। ये प्रक्रिया कई मिनट तक करनी है और इस बीच एम्बुलेंस और पुलिस को फोन लगाकर अस्पताल पहुंचाना है। इस तरह से कोई भी आम व्यक्ति जो चिकित्सक नहीं भी है, मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। बचाने के उपरांत बच्चों को भी इसको कराया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित NDRF से ट्रेंड आशीष कुमार ने दुर्घटना होने पर आर्टिफिशियल स्ट्रेचर गर्दन में चोट होने पर पेपर का कॉलर भी बच्चों को बना के दिखाया। साथ ही कहीं से रक्तस्राव हो रहा हो तो उसको बंद करने का उपाय, कीलिया छड़ किसी अंग में घुस गया हो तो क्या करना है, इन बातों को भी बताया। डॉक्टर सिंह ने बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अब डरे नहीं बल्कि सरकार ऐसे गुड सिमिलिटेशन जो कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाती है ₹5,000 इनाम देती है। उन्होंने जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बनी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने वाली लघु फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चाकेगा का वीडियो भी दिखाया। वहां के छात्रों एवं शिक्षकों ने जीवन जागृति को इसके लिए धन्यवाद दिया। आज का क्या कार्यक्रम रहा सर? आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा CPR सिखाने का कार्यक्रम, साथ में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या किसी भी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसको जैसे ब्लीडिंग होने लगता है या हार्ट टूट जाता है, कोई चीज़ कील घुस जाता है, उसका प्रोग्राम हुआ। और इसमें जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा मैं डॉक्टर अजय सिंह और आशीष हरिओम ने इन सारी बातों की जानकारी दी और नवयुग विद्यालय के बहुत से छात्र, कम से कम 200 छात्र उपस्थित थे और साथ में शिक्षक थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और साथ में डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा निर्मित फिल्म लाठी बरसेगा आंगन चहकेगा भी वहां दिखाया गया, जिसका बहुत जोरदार तालियों से बच्चों ने स्वागत किया। धन्यवाद।